साथियों नमस्कार, मैं देवदत्त मिश्रा हूं, आपके अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पर लेकर के आया हूं मूल विधि की एक सीरीज। साथियों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा पद की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसका सिलेबस वगैरह सब भी सब आ गया है। कई छात्रों का विशेष अनुरोध था कि मूल विधि को लेकर के छात्रों में एक बड़ा सा भ्रम फैला हुआ है कि मूल विधि का जो सिलेबस दिया गया है उस पर कोई ठीक ठाक किताब ऐसी नहीं मिल रही है, कंसेप्चुअल कंसाइज, जिससे जो है इस मूल विधि को टैकल किया जा सके। कहीं कहीं जो क्लासेस चलाई जा रही है इतनी भ्रामक कक्षाएँ चलाई जा रही हैं कि उनको IPC CRPC वगैरह लगाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो वकालत की परीक्षा दे रहे हैं या फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है। मतलब कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश पुलिस में जो दरोगा के पद पर आयोजित होने जा रही परीक्षा है उसमें मूल विधि का जो कॉन्सेप्ट है वह बड़ा ही जो है कन्फ्यूजन है छात्रों के लिए, सारे प्रतियोगी छात्रों के लिए बड़ा ही कन्फ्यूजात्मक है, बड़ा ही संशय है इसमें कि क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो मैंने जो है इस विषय को टैकल करने के लिए सीरीज शुरू की है मूल विधि और संविधान की। इस सीरीज में हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम सिलेबस वगैरह देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या लिखा गया है और उस सिलेबस के एक एक बिंदु को हम समझेंगे कि कैसे जो है उस बिंदु को हमें या मतलब हमें पढ़ाई कितना करना है। अब ये बात हमें पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या क्या है तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उस पढ़ाई में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, ज़्यादा डीप जाना है कि उसके बारे में जानकारी जुटाना है कि केवल उसका नाम जान लेना है। यह तभी संभव हो पाएगा जब आप प्रश्नों की एनालिसिस करें। तो यह जो सीरीज है यह सीरीज समर्पित है मूल विधि के प्रश्नों की एनालिसिस को लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस विशेष टॉपिक को। सबसे पहले तो सिलेबस देख लेंगे UPSI का। और सिलेबस देखने से पहले भी आप जानते हैं कि कोचिंग जंक्शन पर UPSI का KGF बैच चल रहा है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप एडमिशन ले लें, बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी, आपको मज़ा आएगा पढ़ करके। और यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वही आपके लिए खुशखबरी है, प्रयागराज सेंटर पर, इलाहाबाद सेंटर पर, आलोपी बाग के निकट हमारा ऑफलाइन सेंटर है। वहाँ 1 मार्च से UPSI का डेडिकेटेड बैच शुरू हो रहा है जो शाम 3 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक चलेगा। प्रतिदिन 4 घंटे की क्लासेस चलेंगी और पूरा का पूरा 3 महीना जो है एकदम आपकी सफलता के लिए हमारी टीम मेहनत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले सिलेबस देखेंगे मूल विधि का। और सिलेबस देखने के बाद जो है हम थोड़ा सा प्रश्नों की एनालिसिस करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर लें, देख लें कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, उसका स्तर क्या है। तो आपका जो है विजन क्लियर हो जाएगा और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। फालतू श्रम करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है कि IPC की जितनी धाराएं हैं, धारा 1 से लेकर के आप रटते चले गए, धारा 1 में ये लिखा है, धारा 2 में लिखा है, नहीं पूछा जाता है। इतना बहुत प्रचलित जो कोई धारा होगी तभी पूछी जाती है, IPC के जनरल धाराएं नहीं पूछी जानी है, भारतीय दंड संहिता की, दंड प्रक्रिया संहिता की, इन सब की धाराएं नहीं पूछनी है, पूछी जानी है। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में क्या लिखा है। सिलेबस आइए देखते हैं सिलेबस में लिखा क्या है। यह जो है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का सेक्शन है। आप जानते हैं कि यह जो है 100 अंकों का होने वाला है, यह पूरा सेक्शन कितने अंकों का होने वाला है, 100 अंकों का होने वाला है, ठीक है ना। और यह 100 अंक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने 3 खंडों में बांट दिया है कि इसमें 1 खंड जो होगा वह मूल विधि से संबंधित होगा, बेसिक लॉ से संबंधित होगा। ध्यान दीजिएगा उसने क्या लिखा है, बेसिक लॉ लिखा है, ठीक है ना, मूल विधि लिखा है। दूसरा जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित होगा और उसके बाद जो है आपका, उसके बाद जो आपका टॉपिक बचता है वो सामान्य ज्ञान से संबंधित है। यानी आपको इतिहास भूगोल पर जितना ध्यान देने की जरूरत है उससे कहीं ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत आपको है बेसिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पर, ठीक है ना। बेसिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है ना, क्योंकि इन सारे टॉपिकों से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे और मूल विधि संविधान का टॉपिक तो अलग ही कर दिया गया है, ठीक है ना। मूल विधि सिलेबस देखिए, संविधान आप परिचित हैं, संविधान की कई किताबें भी आपने पढ़ रखी है,
कोचिंग जंक्शन के अन्य टीचर्स आपको संविधान पढ़ाएंगे। मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो मूल विधि को लेकर के है। मूल विधि कैसे टैकल किया जाए मैं आपको यही बात समझाऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मूल विधि के सिलेबस में शामिल क्या क्या है। मूल विधि के सिलेबस में सबसे पहला जो नाम आता है भारतीय दंड विधान। भारतीय दंड विधान का मतलब हो गया IPC, इंडियन पेनल कोड को लेकर के। तो हमें इंडियन पेनल कोड के बारे में जानना है, यह देखना है कि इसकी यह कब कोडिफाई किया गया था, बनाया कब गया था, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इसमें क्या क्या बदलाव आया, कितनी धाराएं वगैरह हैं। एक जनरल अवेयरनेस की तरह जो हम इसको देखेंगे, रटेंगे नहीं कि धारा एक में ये लिखा है, धारा दो में लिखा है। कोई बहुत महत्वपूर्ण धारा होगी तभी हम उसको देखेंगे, अन्यथा जो है हम इसके गठन, इसका काम क्या है, इस बारे में ही अपना ध्यान सीमित रखेंगे। अभी मैं प्रश्न समझाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। दूसरा लिखा गया है दंड प्रक्रिया संहिता, यानी पुलिस को जो अधिकार मिलते हैं वो CRPC से मिलते हैं। पुलिस को कैसे किस मामलों में कार्य करना है उसका जो है पूरा विवरण मिलता है दंड प्रक्रिया संहिता में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। उसके बाद और दिया है कि महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति आदि से लेकर के जो विशेष कानून बना है उसके बारे में भी हमें फोकस करना है, ठीक है ना। तीन टर्म नाम आ रहा है, महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति आदि, ठीक है ना। मतलब SC ST एक्ट से जो संबंधित प्रावधान है उनसे संबंधित जो विधिक प्रावधान है उस पर ध्यान देना है। यातायात नियमों पर क्या यातायात नियम है उससे प्रश्न पूछ जाने हैं। पर्यावरण संरक्षण पर क्या क्या कानून बना है उसके बारे में थोड़ा सा जनरल जानकारी होनी चाहिए। वन्य जीव संरक्षण क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, मानवाधिकार का कॉन्सेप्ट क्या है, मानवाधिकार संरक्षण क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो बना था 2005 में वो क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, आयकर अधिनियम क्या है, कैसे जो है किसी का आयकर काटा जाता है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम क्या है, IT अधिनियम क्या है, साइबर अपराध क्या है, जनहित याचिका क्या है, और एक और टॉपिक लिखा है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण है, महत्व है, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का व्याख्याकार है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में जो चीज़ लोगों को नहीं समझ में आती उसको, उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसे मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण मामलों में जो निर्णय देता है उन निर्णयों को हमें नोट करना है, समझना है, ठीक है ना। उससे संबंधित ढेर सारे प्रश्न आपकी इस उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राज्य संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान, ये जो है पूरा एक सिलेबस दिया गया है। बहुत लंबा सिलेबस नहीं है, मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आप निश्चित रूप से इस पूरे सब्जेक्ट को बहुत ही इजीली, बहुत ही कंफर्टेबली आप टैकल कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इस पर आधारित प्रश्नों को। एक प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को आप जो है ध्यान से पढ़िए। यह प्रश्न है, ठीक है ना। पहले प्रश्न को पढ़िए आप, किसी भी परीक्षा में जाइए। अब चूंकि सब इंस्पेक्टर एक महत्वपूर्ण पद होता है, तो इसलिए अब उसकी भी परीक्षा में आपसे जो है थोड़ा सा लेंदी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, जिसमें यह पता चला आप एक छोर से पढ़े दूसरे छोर तक पहुंचते पहुंचते पता ही नहीं चलता कि पढ़ा क्या था हमने और पूछा क्या जा रहा है। तो सबसे पहले आपसे आग्रह है कि आप परीक्षा कक्ष में जाइए तो यह देखिए कि प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। पहले उत्तर न खोजिए, पहले यह सोचिए कि पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहले आपको टैकल करना है, देखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। इस पॉइंट को अगर आपने पता लगा लिया पूछा क्या जा रहा है तो आपका आधा काम आसान हो गया। तो जो जानकारी होगी आप तुरंत फट से दे देंगे। अगर आप इसी में कन्फ्यूज हो गए पूछा क्या जा रहा है, क्या पूछ रहा है पता ही नहीं चल रहा है, तो आप बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा है, मेरे साथ आप पढ़िए। लिखा है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पीड़ित एक आम आदमी था या आतंकवादी, पीड़ित एक आम आदमी था या आतंकवादी, और इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति था या राज्य। दो कॉन्सेप्ट आया है, दो टर्म आया है यहाँ, पीड़ित और आक्रमणकारी। मतलब दोनों में कहा जा रहा है कि पीड़ित चाहे आम आदमी हो या आतंकवादी, और इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति है या राज्य है। फर्क कहाँ पड़ता है, कानून दोनों के लिए समान है
और दोनों पर समान रूप से लागू होता है। दोनों के लिए समान है और दोनों पर समान रूप से लागू होता है। ध्यान दीजिएगा, संविधान के किसी अनुच्छेद के ही तहत बात हो रही है। कानून दोनों के लिए समान है और दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यह लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की भी आवश्यकता है। कहते हैं ना जिसको कानून राज, रूल ऑफ लॉ। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊपर क्या है, भारत सरकार है कि सुप्रीम कोर्ट है कि राष्ट्रपति है, क्या है, तो आप बताएंगे सबसे ऊपर है भारत का संविधान है। ठीक है ना, सबसे ऊपर क्या है, भारत का संविधान। और उस संविधान की आत्मा, उस संविधान को बनाने वाले जो है पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोग हैं। ठीक है ना, तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सबसे ऊपर क्या है, संविधान है, कानून है। और लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की भी आवश्यकता है कि कानून का जो है समान रूप से पालन किया जाए तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए भी यह जरूरी है। 8 जुलाई 2016 में दिया गया यह उच्चतम न्यायालय का आदेश, उच्चतम न्यायालय ने 8 जुलाई 2016 को जब आदेश दिया था तो उस आदेश में इतना जो है पॉइंट दिया था। यह आदेश था इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि, यही आपका प्रश्न है, ठीक, प्रश्न को आपने समझ लिया कि उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था, कि कोई अंतर नहीं है कि पीड़ित आम आदमी है या आतंकवादी, आतंकवादी भी पीड़ित हो सकता है, उसके भी कुछ मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों को भी जो संविधान द्वारा प्रदत्त हैं उसको मिलने चाहिए। तो कोई फर्क नहीं है कि पीड़ित आम आदमी हो या आतंकवादी, आतंकवादी भी पीड़ित हो सकता है और आम आदमी, कानून की नज़र में क्या है, दोनों समान है। ठीक है ना, और यह भी अंतर नहीं पड़ता कि जो अटैक कर रहा है वह कोई साधारण व्यक्ति है या राज्य, राज्य कहने का मतलब राज्य के जो अंग हैं पुलिस या सेना, तो पुलिस या सेना हो या क्या हो, एक आम आदमी अटैकर हो, दोनों के मसले में क्या होता है, कानून दोनों के मसले में समान है और दोनों पर समान रूप से लागू होता है। ठीक है ना, अगर राज्य ने कोई अपराध किया तो राज्य के लिए भी वही कानून समान रूप से लागू होता है। यह लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की भी आवश्यकता है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो दिया गया है इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे सशस्त्र बल विशेष अधिशक्तियां अधिनियम 1958 यानी अफस्पा, एक कानून है अफस्पा जिसको बोलते हैं, बड़ा ही विवादित कानून है। ठीक है ना, इसका पूरा नाम है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, यानी सशस्त्र बलों को कुछ विशेष शक्तियां मिली हुई हैं। ठीक है ना, विशेष शक्तियां क्या है, कुछ राज्यों में अफस्पा के तहत सेना को विशेष शक्तियां मिली हुई हैं कि वह किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना जो है क्या किए जो है बिना मौका दिए किल कर सकता है, मार सकता है, अगर उसको यह विश्वास हो जाए कि यह क्या है, यह देश की स्वतंत्रता के लिए घातक व्यक्ति है, देश की एकता और अखंडता के लिए घातक व्यक्ति है, तो सेना के पास यहाँ तक अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को किल कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और उस समय जो है जो सामान्य कानून है वह लागू नहीं होंगे। यह अफस्पा के तहत सेना को मिला विशेष शक्ति है। दूसरा ऑप्शन दिया है, यह अशांत क्षेत्र में निवासरत लोगों को सलाह देता है कि वह मौलिक अधिकारों का आदर करें। अब भाई सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी बात कर रहा है, पीड़ित व्यक्ति की बात कर रहा है और आक्रमणकारी की बात कर रहा है, तो यह सलाह तो नहीं दे रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी सेंसिबल ढंग से पढ़ेंगे तो कम से कम इसमें से आप ये ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे कि यह ऑप्शन जो है सही प्रतीत नहीं होता है इस प्रश्न के संदर्भ में, यह ऑप्शन सही प्रतीत नहीं होता है, उसको आप क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे, यानी इसको सही जवाब के रूप में आपको लगाना ही नहीं है। क्या यह अशांत क्षेत्र में निवासरत लोगों को परामर्श देता है कि वे मौलिक अधिकारों का आदर करें। ठीक है ना, तीसरा दिया है ऑप्शन, यह एक ऐसी विधि की रचना करने पर बल देता है जो सेना और सर्वसाधारण के लिए समान हो। अब भैया सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई विधि क्यों बनाएगा कि भैया सेना के लोग परेड करें और सर्वसाधारण के लोग भी परेड करें, तो ऐसी कोई विधि बनाने में सुप्रीम कोर्ट को कोई रुचि नहीं होगी जो सेना और सर्वसाधारण के लिए समान हो। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो रहा है, गलत होता प्रतीत हो रहा है। ठीक है ना, आपको पॉसिबिलिटीज पर विचार करना है प्रश्न देखते समय, क्योंकि उस समय आप ये नहीं जान रहे होंगे, आजकल के ऐसे प्रश्न आते हैं कि 100% सही क्या है, 100%
गलत क्या है, ठीक है ना। तो आप ऐसे प्रश्नों को एलिमिनेट करते चलेंगे जो क्या हो एकदम गलत आपको नजर में आए। दूसरा दिया, यह शत्रु देश और आम अपराधी में अंतर निर्धारित करता है। तो भैया आम अपराधी और शत्रु देश में कोई अंतर निर्धारित नहीं किया जाता, ठीक है ना। अब इसका सही जवाब बचा क्या, इसका सही जवाब बचा पहला। दरअसल ये जो पूरा प्रश्न पूछा गया है, देखिए यह पेपर लिया गया है 2017 का, ठीक है ना, प्रश्न लिया गया है 2017 की भर्ती परीक्षा का है। ये 2017 में जो भर्ती परीक्षा आयोजित हो गई थी उसका एक प्रश्न है, और निर्णय किसका है, निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का 8 जुलाई 2016 को। तो इस प्रश्न से आपको सीख मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मामले जो बहुत महत्वपूर्ण है पिछले एक साल में आए हुए, लगभग एक साल में आए हुए ऐसे महत्वपूर्ण मामले, या इससे पहले अति महत्वपूर्ण मामले, अति महत्वपूर्ण निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं, उन निर्णयों को हमें पढ़ना है, नोट करना है, क्योंकि उस पर क्या पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई 2016 को अपने डिसीजन में जो इतनी बात बताई थी, वह बात बताई थी अफस्पा को लेकर के, किसको लेकर के, अफस्पा को लेकर के, कि इससे क्या हो जाएगा, अफस्पा की पावर घटेगी, ठीक है ना। इस आदेश से क्या होगा, इस आदेश से अफस्पा की पावर घटेगी, कि क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि चाहे वह राज्य हो और चाहे साधारण व्यक्ति हो, दोनों पर कानून समान रूप से लागू होता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए लिखा क्या है, चाहे आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति हो या राज्य, राज्य कहने का मतलब क्या हुआ, सरकार कहने का मतलब क्या हुआ, तो अटैकर या तो सेना का व्यक्ति होगा या तो पुलिस का व्यक्ति होगा। चाहे जो व्यक्ति हो, अगर अटैकर है, आक्रमणकारी है, तो उसके लिए कानून समान है और कानून समान रूप से लागू भी होता है। इसका मतलब अगर आपके पास अफस्पा के तहत कुछ पावर मिला भी हुआ है तो उसका आप गलत दुरुपयोग नहीं करेंगे, यानी अफस्पा की पावर को क्या कर रहा है, यह ह्रास कर रहा है। ह्रास करने का मतलब होता है कम करना, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन था, तो इसको इस प्रकार के प्रश्नों को टैकल करने का आपके लिए ऑप्शन यह है कि आप क्या करें, पिछले एक साल में जितने सुप्रीम कोर्ट के अति महत्वपूर्ण विवादित निर्णय आए हों उनको एक बार आप देख लीजिए कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। दूसरा, या तो आप इस प्रश्न को अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास करिए कि किसके संदर्भ में बात प्रतीत हो रही है, कि राज्य हो, राज्य का मतलब सेना या पुलिस हो, अटैकर की बात हो रही है तो अटैकर राज्य का कौन हो सकता है, राज्य का अटैकर तो सेना ही होगी, राज्य की तरफ आक्रमण कौन करता है, सेना या पुलिस ही करती है। तो चाहे अटैकर कोई साधारण व्यक्ति हो या राज्य हो, कानून दोनों के लिए समान है, कानून का उल्लंघन करने पर उनको सजा मिलेगी। तो इससे क्या होता है, सशस्त्र बल अधिनियम 1958 की शक्ति क्या होती है, घटती है, यह सही विकल्प है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हमारा आपका प्रश्न देखने का यह इस उद्देश्य से प्रश्न देख रहे हैं कि हमारा आपका विजन क्लियर हो जाए कि भैया परीक्षा में पूछा क्या जाएगा, मूल विधि सेक्शन में हम किस प्रकार से पढ़ाई करें कि प्रश्नों को टैकल कर लें, ठीक है ना। तो दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या लिखा गया है, किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई। अब देखिए यह भी सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की ही बात की जा रही है, सॉरी हाई कोर्ट का जजमेंट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय था ये सर। तो किस मामले की बात की जा रही है, किस जो है जजमेंट की बात की जा रही है जिसके बाद क्या किया गया था, आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। तो आप जानते हैं कि अगर थोड़ा सा भी आप इतिहास पढ़ें, आधुनिक इतिहास पढ़ें, तो आपको आपातकाल के बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर रखना चाहिए कि आपातकाल लगाया कब गया था, आपातकाल लगाने के पीछे कारण क्या था, कौन प्रधानमंत्री थी जिन्होंने आपातकाल देश पर थोपा था। तो आपातकाल आप जानते हैं 1975 में लगाया गया था और लगभग 1977 तक यह चला था, 2 वर्षों तक आपातकाल पूरे भारत में लागू था। उसके पीछे का बैकग्राउंड यह है, मैं उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको बता दे रहा हूँ। 1971 में लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण घटना है, 1971 में लोकसभा का चुनाव हुआ। इस लोकसभा के चुनाव में रायबरेली सीट से, किस सीट से, रायबरेली सीट से दो कैंडिडेट चुनाव लड़े, एक का नाम था इंदिरा गांधी और दूसरे का नाम था
राजनारायण, राजनारायण चुनाव हार गए, राजनारायण क्या करे चुनाव हार गए, इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई। राजनारायण ने क्या कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट में केस यह कर दिया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है चुनाव जीतने में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को, इस पॉइंट को सही पाया और इंदिरा गांधी को 1975 में डिक्लेयर कर दिया गया कि आपकी सदस्यता निरस्त की जाती है, आपका लोकसभा सदस्य बने रहना निरस्त किया जाता है, क्योंकि आप सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के कारण जो है चुनाव में जीती हैं और चुनाव वगैरह लड़ने पर 6 साल का आप पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है। कौन सा मसला था, मसला था उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण का। ठीक है ना, अब ये इतना महत्वपूर्ण घटनाक्रम है तो थोड़ा सा आपको जानकारी तो होनी ही चाहिए, एटलीस्ट आप यूपीएसआई जैसा इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूरा जो है 1947 से लेकर के 2021 तक भारत के आधुनिक इतिहास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश किस तरीके से आगे बढ़ा, कैसे क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, क्या परिवर्तन आया, आपातकाल वगैरह कॉन्सेप्ट जो था वो कब लागू किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा आपकी एक समझ जो है होनी जरूरी है। ठीक है ना, यह आपके समझ की ही परीक्षा ले रहा है। क्या आपने कभी राजनारायण का नाम सुना है, इंदिरा गांधी का तो नाम आपने सुना ही होगा आपातकाल के संदर्भ में, लेकिन आपातकाल इंदिरा गांधी ने क्यों लगाया था उसके पीछे भी आपको जाना होगा कि ऐसा कौन सा कोर्ट का डिसीजन हो गया था कि इंदिरा गांधी ने तुरंत क्या कर लगा दिया, आपातकाल लगा दिया। अब भाई 6 साल का उनको क्या मिल गया, 6 साल का इस डिसीजन के तहत उनकी अयोग्यता हो गई कि वह चुनाव भी नहीं लड़ सकती और किसी पद पर भी नहीं बने रह सकती, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत आपातकाल लगा दिया, इमरजेंसी लगा दिया पूरे देश में। ठीक है ना, ये जो है सही ऑप्शन है, यानी आपको क्या करना है 1947 से लेकर के 2021 तक महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को देखना है एक बार। ठीक है ना, आपने देखा भी होगा। अगला जो प्रश्न है वह कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, संविधान से संबंधित है। वैसे मेरा पूरा जोर जो है मूल विधि पर ही रहेगा, संविधान पर नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी एक आध प्रश्न संविधान के भी थोड़ा सा अभी देख लेंगे क्या है। पढ़िए लिखा क्या है, लिखा है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिया है, 20%, 10%, 25% और 15%। देखिए एक जो है बाध्यता आ गई है, ठीक है ना, एक बाध्यता आ गई है किस पर, सरकार पर। अब सरकार का मन ये करे कि जितने जो है लोकसभा के सदस्य हैं सबको क्या कर दें, सबको मंत्रियाना बांट दें, सारे जो है लोकसभा के सदस्य खुश हो गए, सबको लाल बत्ती वगैरह मिल गया, तो लाल बत्ती का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लेकिन सबको जो है पता चला एक एक स्कॉर्ट गाड़ी मिल गई, ये मिल गया वो मिल गया, सब जो है घूम रहे हैं, काम किसी का कुछ नहीं है। इससे क्या होगा, इससे बिना वजह जो है, बिना वजह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होगा और बिना वजह व्यय होगा अधिक। इस स्थिति से बचने के लिए एक नियम बना दिया गया कि लोकसभा के जितने सदस्य हैं कुल, उसके 15% के आसपास ही, 15% से ज़्यादा नहीं होगी, उतने में ही पूरा मंत्रिमंडल सिमट जाएगा। ठीक है ना, चाहे राज्य मंत्री हो चाहे कैबिनेट मंत्री हो, कुल मिलाकर के लोकसभा के जितने सदस्य हैं उनके उन सदस्यों की संख्या का 15% आप निकाल लीजिए, उससे कम ही जो है मंत्रीगण रहेंगे। ठीक है ना, मंत्रीगण क्या रहेंगे, उससे कम ही रहेंगे, ताकि अनावश्यक रूप से भारत सरकार पर या भारत की प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ न बने। ठीक है ना, क्या ना बने, बोझ न बने। अब देखिए यह कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है जरूर, लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं जो है यह एक जनरल अवेयरनेस का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस का भी कॉन्सेप्ट है कि मंत्री जो है उस समय 2017 के आसपास जो है मंत्रियाना चर्चित रहा होगा जरूर। ठीक ना, कि कितने मंत्री हो सकते हैं कितने मंत्री नहीं हो सकते हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अधिनियम ही एक अलग बनाया गया है। ठीक है ना, भारत के संविधान में सीधा तौर पर कहीं नहीं लिखा गया है, इसका एक अलग से अधिनियम बनाया गया है। उस अधिनियम के तहत क्या घोषित किया गया है, उस अधिनियम के तहत घोषित किया गया है कि मंत्रिमंडल में 15% से ज़्यादा जो है मंत्री नहीं होंगे लोकसभा सदस्यों की तुलना में। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, डैश दिया है, का अर्थ है एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है ना। अब आप सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं तो आईपीसी और सीआरपीसी का गहरा अध्ययन जो है सब इंस्पेक्टर बनने के बाद ट्रेनिंग में आपको कराया जाएगा, ठीक है ना। आईपीसी और सीआरपीसी का गहरा अध्ययन कराया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है आपके सिलेबस में दिया है कम से कम आप इसके कुछ पहलुओं से परिचित रहें। धारा वारा ना रटे कि सीआरपीसी की धारा एक में क्या लिखी गई है, दो के सी में क्या लिखी गई है, तीन के डी में क्या लिखी गई है, इसमें ना उलझें। ये तो आपको बाद में ध्यान देना है, बशर्ते आप इस बात पर ध्यान दें कि सीआरपीसी के तहत जो है सीआरपीसी किस लिए बनाया गया, पुलिस को क्या क्या अधिकार सीआरपीसी के तहत मिलता है और किन मामलों में वह क्या कर सकता है। तो देखिए, गिरफ्तार करने पर चार प्रकार के जो है कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है संज्ञेय अपराध, दूसरा असंज्ञेय अपराध, तीसरा जमानत योग्य अपराध और चौथा गैर जमानती अपराध। अब पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा अपराध है, संज्ञेय असंज्ञेय जमानत योग्य गैर जमानती योग्य, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। क्या कर सकती है? बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। कॉग्निजेबल है, अपराध के बारे में पूछा जा रहा है, कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल है जिसको असंज्ञेय कहा जाता है, या फिर बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो भैया बात की जा रही गिरफ्तारी की और किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। तो पुलिस को, जैसे मान लीजिए पुलिस को ये लगा कि आपने जो है 302 मतलब जानते हैं आप मर्डर वगैरह करना, ठीक है ना। पुलिस को अगर ये लगता है कि किसी व्यक्ति की हत्या आपने की है, आपने क्या की है, किसी व्यक्ति का मर्डर किया है, तो उसको जो है ये जो 302 का अपराध है इसे माना जाता है संज्ञेय अपराध। क्या माना जाता है? संज्ञेय अपराध। कहने का मतलब यह हो गया कि पुलिस के पास यह पावर हो जाता है कि वह कोर्ट के आदेश का इंतजार न करे, यानी पुलिस के पास सीआरपीसी से स्वतः पावर मिल जाता है, शक्ति मिल जाता है कि ऐसे किसी भी संभावित व्यक्ति को जिसमें वह समझता है कि संज्ञेय अपराध का क्या है, दोषी है, उसको बिना वारंट के, बिना कोर्ट के आदेश के क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है ना। किस मसले में? जब पुलिस के किसी अफसर को लगे कि अपराधी कैसा है, संज्ञेय अपराध कारित किया है, ठीक है ना, संज्ञेय अपराध कारित किया है। संज्ञेय मतलब खतरनाक अपराध कारित किया है जिसमें उसको छोड़ा जाना ठीक नहीं है, जांच जो है बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं और क्या है प्रश्न, एक आध प्रश्न और देखते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगा जब सीआरपीसी वगैरह पढ़ाने लगूंगा तो एक बार जरूर आपको बताऊंगा संज्ञेय अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध क्या है, जमानत योग्य क्या है, गैर जमानती अपराध है। अभी आप इस प्रकार के सेक्शन में हमारा अनुरोध है कि हम प्रश्नों की एनालिसिस करें, एक एक टॉपिक ना देखने लगे, नहीं तो पूरा जो है रात बीत जाएगी और एनालिसिस संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अभी हम क्या करें, प्रश्नों को मात्र देखें कि हमें पढ़ना क्या क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है, हमारा उद्देश्य अभी यह है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी कार्यस्थल पर कर्मचारियों की संख्या से ज्यादा है तो भारत में स्थित सभी कार्यस्थलों में महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन करना होगा। ऐसे कार्यस्थल जहां के कर्मचारियों की संख्या कितनी हो या कितने से ज्यादा हो कि वहां जो है इस नियम का पालन करना, इस नियम के अंतर्गत दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। अब देख लीजिए, जब हम लोग सिलेबस अध्ययन कर रहे थे तो उसमें तीन बात आई थी, महिला, बच्चे और SC ST, इनसे संबंधित जो कानून बने हैं उनके बारे में आप जरूर एक बार देख लें कि कौन कौन से कानून बने हैं, किस संदर्भ में बनाए गए थे, क्या उसकी आवश्यकता थी, ठीक है ना। आपको धारा नहीं कानून की रटनी है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, धारा रटने के बजाय आप यह, आपका जोर इस बात पर होगा कि उस कानून में बनाया क्या गया है, कानून के तहत सुरक्षा क्या मिल रही है महिलाओं को, बच्चों को और SC ST को, क्या जो है सुरक्षाएं मिल रही हैं। तो यह कानून जो है बना है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है ना, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन प्रिवेंशन, अंग्रेजी नाम है इसका प्रोहिबिशन एंड
रिड्रेसल एक्ट, यानी हिंदी में कहा जाए तो महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण, कहाँ? कार्यस्थल पर। कार्यस्थल का मतलब जैसे मान लीजिए कहीं कोई कंपनी है बड़ी सी, उसमें कर्मचारियों की संख्या 250 है, तो प्रायः जो है ऐसा माहौल बन जाता है, ऐसे माहौल बनने की संभावना रहती है कि पुरुष एम्प्लॉई क्या करें, जबरदस्ती यौन शोषण करने के लिए किसी महिला एम्प्लॉई को परेशान करें, ठीक है ना, महिला एम्प्लॉई को परेशान करें या उस पर दबाव डालें, किस लिए? उसका उत्पीड़न करने के लिए। ना वो माने तो रेप वगैरह तो न करें, लेकिन जो है उस पर टास्क ज़्यादा दे दें, मतलब टोटली जो उसका बिहेवियर हो वह जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है प्रेरित रहे, तो उसके लिए जो है कानून बना, कानून बना जो है कि ऐसे कार्यस्थल जहां एम्प्लॉयियों की संख्या 10 से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? 10 से ज़्यादा जहां एम्प्लॉई हैं, वहां यह अनिवार्य कर दिया गया है कि महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम के अंतर्गत दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन करना होगा। तो क्या क्या दिशा निर्देश थे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, संक्षेप में आपको बता देता हूं। जैसे 10 से ज़्यादा जहां एम्प्लॉई होंगे वहां एक शिकायत प्रकोष्ठ बनेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा? शिकायत प्रकोष्ठ बनेगा महिलाओं के लिए, जिसमें महिलाएं जो है अपनी बात रख सकें और उस कंपनी या उस संस्थान या उस सरकारी विभाग की एक आंतरिक कमेटी जो है उस शिकायत पर 30 दिन के भीतर क्या करेगी, जांच करेगी। इस प्रकार की जो है व्यवस्था बनाई गई है ताकि महिलाएं क्या करें जो है प्रोत्साहित हो सके काम करने के लिए, बाहर निकल करके काम करने के लिए, और उनका उत्पीड़न जो है क्या किया जा सके, रोका जा सके। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, 10 एम्प्लॉई, अगर कहीं भी कार्यस्थल पर 10 एम्प्लॉई से ज़्यादा है तो यह नियम जो है लगना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है ना। एक आध प्रश्न देखते हैं और उसके बाद इस सीरीज को, मतलब आज की इस सीरीज को अलविदा कहेंगे, फिर लेकर के आएंगे, फिर हम आपको समझाएंगे। कुल मिलाकर के कुछ ऐसे ढेर सारे प्रश्न, जब तक आपकी समझ न आ जाए कि पूछा क्या जाने वाला है तब तक जो है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। ऐसी चार चार सीरीज जो है मैं आपके लिए बनाऊंगा। एक और है प्रश्न, अगर लोक सूचना अधिकारी, ठीक है ना, लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की बात हो रही है, लोक सूचना अधिकारी की बात हो रही है, यानी बात किसकी हो रही है, बात हो रही है जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की, ठीक है ना। 2005 में RTI एक्ट पास हुआ था जिसके तहत भारत के नागरिकों को सूचना पाने का एक मौलिक अधिकार मिल गया था। क्या? सूचना पाने का अधिकार, कि आप जो है किसी भी सरकारी विभाग से या कहीं भी कोई भी जो है राज्य के अधीन काम करने वाली संस्था है तो आप जनहित के मुद्दों पर आप सूचना पा सकते हैं, क्या चल रहा है, क्या कैसे किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, इस कानून के द्वारा जो है कई सारे घोटालों का पर्दाफाश हुआ, क्योंकि आपको सूचना देना क्या है, अनिवार्य है, किसी भी पब्लिक ऑफिसर के लिए क्या करना है, सूचना देना अनिवार्य है, कितना पैसा खर्च हुआ, और पब्लिक क्या कर लेती, पब्लिक देख लेती, करे यह रोड तो जो है 10 करोड़ में जो है बन सकती थी, इसमें 100 करोड़ कैसे खर्च हो गए, तो पब्लिक क्या करेगी, उसके जो है एनालिसिस में चली जाएगी और क्या होता है, घोटाले खुलने लगते हैं। तो सूचना अधिकार अधिनियम में जो है प्रावधान है कि लोक सूचना अधिकारी को एक निश्चित समय सीमा के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। अगर नहीं देता है, अगर उस अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल रहता है तो क्या कहा जाएगा, तो इस कानून को आप पढ़ेंगे, धारा ना पढ़िए, बस ये पढ़िए कि प्रावधान क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, धारा ना याद करिए, आप रटने की बजाय इस बात पर फोकस कीजिए कि दिया क्या गया है, और दिया क्या गया है इसको आप एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। धारा तो आप भूलते रहेंगे, 10वीं धारा इसकी ये थी, उसकी वो थी, तो उसमें कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये बात आपके दिमाग में जरूर बैठ जाएगी इसमें क्या दिया गया है। तो अगर भैया निर्धारित प्रारूप में, निर्धारित अवधि में कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर किसी भी सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल रहता है तो यह माना जाएगा कि वह सूचना नहीं देना चाहता है, मानित अस्वीकृति है उसकी, उसकी अस्वीकृति मान ली जाएगी और उस लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तक कि उसका वेतन वगैरह भी काट लिया जा सकता है सूचना न देने के जुर्म में,
ठीक है ना। ये सब तमाम प्रावधान बनाए गए किसमें, जन सूचना अधिकार अधिनियम में बनाए गए हैं। किसी को सूचना प्राप्त करनी हो तो कैसे प्राप्त करनी होगी, आप 10 रुपए का पोस्ट ऑर्डर लीजिए या नगद नोट लीजिए, उसको उस शुल्क को जमा करके किसी भी विभाग से कोई भी जन सूचना प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, एक प्रार्थना पत्र दीजिए और लिख दीजिए कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मुझे क्या करनी है, सूचना पानी है, उसके साथ 10 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर या जो है नगद जो है लगा दीजिए, जो उसका शुल्क है, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस मूल विधि की सीरीज को यहाँ समाप्त करते हैं। और आप क्या करिएगा, आप जो है प्रीवियस ईयर का पेपर लीजिएगा और देखने का प्रयास करिएगा, एनालिसिस करने का प्रयास कीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है। जब आप एनालिसिस कर लेंगे कि पूछा क्या जा रहा है, तब आप क्लियर हो जाएंगे कि पढ़ना क्या है, ठीक है ना। मैं आपको जो है आपके साथ बना रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।